फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया था रोज़ प्लांट को शिफ्ट करने के बाद क्या इफ़ेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे रोज़ प्लांट के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर इनको मिला है। देखिए, रोज़ प्लांट ने जो है रिकवर करना शुरू कर दिया है, न्यू न्यू शूट्स इस पर निकलनी शुरू हो गई हैं, न्यू न्यू लीव्स इस पर आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन जो भी सूखी लीव्स होती हैं इनको हमें साथ साथ निकालते रहना चाहिए ताकि प्लांट के ऊपर इन सूखी लीव्स का लोड ना पड़े। आप दूसरे प्लांट पे भी देख सकते हैं, दूसरे प्लांट में भी बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स बननी शुरू हो गई, बर्ड्स नहीं सॉरी, न्यू न्यू शूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं। आप देखिए, ये नोड एरिया के पास न्यू न्यू इसकी ब्रांचेज हैं सभी, इनको हम सूखी लीव्स को निकालते रहेंगे तो प्लांट हमारा बहुत जल्दी से रिकवर हो जाता है। और जो भी इसकी सूखी ब्रांचेज होती हैं उनको साथ साथ को में आपको कट करते रहना है ताकि प्लांट आपका जल्दी से ग्रो कर पाए। और इसके बाद हम इसके ऊपर देंगे एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करेंगे ताकि प्लांट की जो लीव्स हैं जल्दी से ग्रो हों और जल्दी हमारा प्लांट जो है हरा भरा हो जाए। तो इसी तरह से एप्सम सॉल्ट 1 लीटर पानी में एक ढक्कन मिलाकर आपने इसमें स्प्रे करना है, बहुत अच्छा हमारा प्लांट रिकवर हो जाएगा। जितनी भी सूखी लीव्स हैं इनके गिरने दीजिए, हाथ से निकाल दीजिए और प्लांट पे एप्सम सॉल्ट का स्प्रे आपने दिन में एक बार करना है, यानी कि शाम के टाइम कर सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसके ऊपर हर तीसरे दिन आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कीजिए तो प्लांट आपका बहुत जल्दी से रिकवर करता है। सूखी ब्रांचेस को कट करते रहिए, जैसे ये है इसको कट करते रहिए। नोड एरिया में हल्दी पाउडर या इसके ऊपर आप फंजीसाइड पाउडर लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसके ऊपर लगाइए और प्लांट की अच्छी सी ग्रोथ के लिए इसके ऊपर केयर कीजिए। तो इसी तरह से आपका प्लांट बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैं पूरे प्लांट को एप्सम सॉल्ट के स्प्रे से नहला दूँगी ताकि प्लांट के ऊपर ब्रांचेज आए, नई नई शूट्स निकलें, प्लांट आपका बहुत सुंदर ग्रो करे। प्लांट की गुड़ाई करते रहे, प्लांट की एरेशन बना रहना चाहिए प्लांट की सॉइल में, हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपने गुड़ाई जरूर करना है प्लांट के ऊपर। ये देखिए, बिल्कुल नई नई शूट्स मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से नई नई शूट्स हर ब्रांच में निकल रही हैं और डेड ब्रांचेस को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पर डेड ब्रांच रह गई थी, इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। देखिए इस तरह से कट करते रहेंगे डेड ब्रांचेस तो आपकी प्लांट जो है बिल्कुल से रिकवर कर जाएगा, आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लांट आपका रिकवर करता रहेगा। देखिए न्यू न्यू ब्रांचेस प्लांट पे बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। ये है हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर का रिज़ल्ट जो कि हमारे रोज़ प्लांट को मिला है। ऐसा नहीं है, हम एकदम हमें घबराना नहीं चाहिए। जब भी हमारा प्लांट इस तरह से होता है एकदम से हमें घबराना नहीं है, प्लांट को अच्छे से रिकवर करने की कोशिश करनी है, इसके ऊपर प्रूनिंग करनी है और इसकी डेड ब्रांचेस को निकालना है। ये मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। और देखिए एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करते ही आप देखेंगे 4 दिन के बाद 6 दिन के बाद मैं इस प्लांट का रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी कैसा जाएगा, आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।